हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीष गुर्जर को जल्द निलंबित कर दिया जाएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने महापौर प्रकरण में दो टूक शब्दों में ये बात कही। हालांकि कल तक खर्रा कोर्ट में एसीबी की तरफ से चालान पेश करने के बाद कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन अब महाधिवक्ता की तरफ से बताए गए रास्ते पर चलकर निलंबन की कार्रवाई की बात कहते दिखे। इससे पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भी जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर महापौर को बर्खास्त करने की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद अब निगम के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चर्चाओं के बाजार में महापौर के निलंबन और कार्यवाहक महापौर के नाम पर सुख बुगाहट होने लगी है। इस बीच मंत्री ने आज कल में ही महापौर के निलंबन आदेश जारी करने की बात कही है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पत्रावली में जो कमी खामी थी वो पूरी हो जाएगी और हो सकता है आज या कल सुबह महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन के आदेश जारी हो जाएं। हालांकि एसीबी की ओर से अब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है। इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस संबंध में महाधिवक्ता से चर्चा हुई है, उन्होंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल रहे हैं और मंजिल पर पहुँचते ही निलंबन के आदेश जारी हो जाएंगे। निलंबन के तुरंत बाद कार्यवाहक महापौर का नाम सामने होगा। कल सुबह निलंबन के आदेश जारी, चालान का नहीं, कल हमारे महाधिवक्ता जी से चर्चा हुई है और उन्होंने जो रास्ता बताया है हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, मंजिल पर पहुंच जाएंगे और मंजिल पर पहुंचते ही निलंबन के आदेश जारी होंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्षदों ने भी मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की और हेरिटेज नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद सारी दलीय सीमा छोड़कर साथ रहेंगे, साथ ही कहा कि अभियोजन स्वीकृति के बाद भी मेयर पहले की तरह ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रही है, ऐसे में जल्द से जल्द नई महापौर देने की मांग की। कांग्रेस पार्षद मिले हैं मंत्री खर्रा जी से, तो इस बात की मिले कि विजन स्वीकृति होने के बाद में भी मेयर के पास सारी शक्तियाँ उसी तरह उपयोग करी जैसे सामान्य होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जयपुर को भ्रष्टाचार से बचाना है और अभियोजन स्वीकृति कोर्ट ने के थ्रू सरकार ने दे दी है, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, बर्खास्त की कार्रवाई हो और सुचारू रूप से नया महापौर मिले, जयपुर को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। आज दिन तक भी निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप इस मेयर को तुरंत बर्खास्त करें, उसकी सारी शक्तियां, उसकी सारी पावर सीज करें। इसलिए हम आज खर्रा जी से मिले थे और हम चाहते हैं कि निगम वापस अपने सही ढर्रे पे आ जाए। निगम वापस से जितने लोगों ने हम पर इतना विश्वास किया, जितने लोगों ने हम पे इतना विश्वास करके हमें वोट दिया, हम चाहते हैं कि अब जनता के लिए जो जवाबदेही है हमारी उस पर हम खरा उतरे। मंत्री जी से हमारी बहुत पहले से बात हो रही है। नगर निगम हेरिटेज में 4 साल से कांग्रेस की मेयर है और 3 साल कांग्रेस का राज भी हेरिटेज नगर निगम में रहा, लेकिन कोई भी विकास के कार्य यहाँ नहीं हो पाए। अभी जो बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नाला सफाई नहीं हुई है, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मंत्री जी से मिली थी। ये बिल्कुल डिफरेंट विषय है, एक अलग विषय है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रूटीन के जो काम है इसी को लेकर हम मंत्री जी से मिले हैं। और रही बात, ये सब पार्टी को, सरकार को, संगठन को सोचनी है आगे की जो भी प्रक्रिया है, ये हम लोगों का विषय नहीं। दरअसल महापौर मुनीश गुर्जर को पद से हटाने से पहले सरकार विधिक राय ले रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक महापौर को पद से हटाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।